तो आप जो ये देख रहे हो ये एब्सोल्युटली मैंने बनाया हुआ है और इसको बनाने में काफी टाइम लग गया। बाय द वे ये आप देख रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट था, लाइक मैंने सोचा है अभी कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं, लेकिन मैंने एक टेरेनियम जैसा बनाने का सोचा और बीच में एक पॉन्ड रखने का सोचा छोटा सा, लाइक सिंपल पॉन्ड पानी वाला या फिश रखने का पॉन्ड, लेकिन फिश टाइप में हम नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ही छोटा है, पर मैंने फिलहाल के लिए रखा हुआ है जस्ट देखने के लिए कैसा लगता है। गप्पीस छोड़े हुए एंड दोस्तों ये जो प्लांट्स वगैरह आप देख रहे हो सब कुछ हिमालय एक्वाटिक से, इतने बड़े बड़े कलेक्शन में आधे ही यूज केस में और इतना अच्छा लग रहा है और इसमें बहुत कुछ चेंजेस मुझे करना है, अभी तो ये जस्ट सेटअप किया हुआ है। आप पूरा वीडियो देखिए गाइस, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने कहां से प्लांट्स लिए क्या किए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एक पार्सल जो हिमाद्री एक्वाटिक से आया हुआ है और देखिए कितना बढ़िया पैकेजिंग के साथ आया है, साथ ही में क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ एयर एंड फ्रेजाइल हैंडल विद केयर ये सब टैग भी लगा हुआ है। एक तो गाइस जब मैं प्लांट्स निकाला था एक एक करके तो आई वाज गेटिंग सरप्राइज क्योंकि गाइस सारे के सारे प्लांट्स इतने हेल्दी और इतने बड़े तरीके से अराइव हुए कि लाइक आई डिडंट हैव एनीथिंग टू लाइक कमेंट ऑन गाइस, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा है और प्लांट्स के आप साइज भी देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े प्लांट्स आए हुए, ये सब एक एक टब में बोने वाले प्लांट्स है और देख लो सारे के सारे इंडोर प्लांट्स एकदम गुड क्वालिटी के। तो यार अगर कोई भी टेरेनियम बनाने का सोचा या फिर इंडोर प्लांट्स के बारे में सोचा तो हिमाद्री एक्वाटिक डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखो गाइस आपको प्लांट्स बढ़िया तरीके से अराइव होते हैं और सारे के सारे प्लांट्स हेल्दी गुड क्वालिटी और गुड क्वांटिटी में भी आता है। कुछ मनी प्लांट्स तो गाइस इतने बढ़िया क्वालिटी के थे कि मतलब देख के मजा आ गया था और इनको बस अभी मुझे जो है ट्रेनिंग में यूज करना है, तो इसके लिए मैं एक एक देख रहा था और काफी सारे ऐसे ऐसे प्लांट्स आए थे जो मैंने पहले कभी देखे भी नहीं थे और मेरे पास थे भी नहीं। ऊपर से अगर आप हिमाद्री एक्वाटिक से ऑर्डर करोगे ना तो आपको एक तो प्लांट्स इतने रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे कि क्या बताऊं। एनीवेज चलो सारे प्लांट्स निकाल लेते हैं और दिखाता हूं, देखो इतने सारे प्लांट्स आए इस कार्टन के अंदर, मैं तो दिल ही खुश हो गया। तो गाइस देख पा रहे हो ये सारे हैं प्लांट्स और क्वालिटी आप देख पा रहे हो कितने बढ़िया लग रहा है। अभी इनमें पानी डाल देता हूं गाइस और फिर एक दिन के बाद हम जो है टेरेनियम बनाएंगे तब इनको यूज करेंगे, तब तक ये सारे प्लांट्स बिल्कुल खिल जाएंगे हेल्थी हो जाएंगे क्योंकि अभी ये जो है ट्रेवल करके आए हैं, तो हमें पानी डालकर इनको रात भर इसी तरीके से हम रख देंगे और नेक्स्ट डे इनको यूज करेंगे टेरेनियम के लिए। नेक्स्ट डे मैं शुरू हो गया था पॉटिंग मिक्स बनाने की प्रक्रिया में, जहां पे मैंने कोकोपीट ले लिया था एंड देन मैंने सॉइल लिया था जिसको मैं बिल्कुल जो लम्स है उनको मैं पाउडर कर रहा हूं, देन इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा फर्टिलाइजर मिक्स कर रहा हूं और इन तीनों चीजों को बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद बना रहा हूं एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स एंड देन ये सारी चीजें तैयार हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें कुछ मैंने प्लांट्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं जिनको मैं आज अपने टेरेनियम के लिए यूज करने वाला हूं, ये सारे प्लांट्स आए हुए हिमाद्री एक्वाटिक से। देन नेक्स्ट हमारे पास है 1 फीट का एक एक्वेरियम जो मैंने हाल ही में बनाया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैच बॉक्स मैच स्टिक्स और पता नहीं क्या क्या, कुछ ग्लू कुछ लाइट्स के बाद और क्या है यहाँ पे कुछ स्टोन वगैरह है ये सब काम आएगा देखना, एंड देन एक हाउस और फिर क्या है यहाँ पे एक अच्छा ये पॉन्ड बनाने के लिए। इन मैच स्टिक्स को जोड़ के ना मैं एक सीरी बना रहा हूँ जो काफी नेचुरल सा लगे और हमारे घर पे लगे, ये देख रहे हो एक ड्रिफ्टवुड, इससे मैं एक ट्री हाउस बनाने का सोच रहा हूँ, दिखाओ कैसे। उसके पहले हम ना यहाँ पे जो पॉटिंग मिक्स है वो डाल देते हैं, तो ये पूरा पॉटिंग मिक्स हम भर देंगे ताकि हमारा जो ड्रिफ्टवुड है वो स्टेबल हो जाए। होने के बाद यहाँ बीच में मैं एक गड्ढा करने वाला हूँ जहाँ पे हमारे प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो आएगा, यानी कि वो एक पॉन्ड जैसा सर्व करने वाला है। उसके बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कि एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, देखो हो गया बढ़िया लग रहा है, और फिर साइड साइड में हम और भी पॉटिंग मिक्स डाल देंगे ताकि एकदम से यूनिफॉर्म लगे। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिसके बारे में बात कर रहा था। ट्री हाउस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने बैकयार्ड में भी ट्री हाउस बनाने का सोच रहा हूँ, क्यों ना पहले यहीं पर ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं, तो इस तरीके का कुछ सोच रहा हूँ। जब मैंने लगाया तो काफ़ी अच्छा तो लग रहा था देखो इधर से, और पता है बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा जो है रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, तो मैंने पीछे से ग्रीन कलर का इस तरीके से डाल दिया एंड यहाँ पे देखो हमारी सीरी बनके तैयार है, इतना क्यूट लग रहा है सही बता रहा हूँ, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। और ये देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या चद्दर वगैरह लगा दिया ताकि रिफ्लेक्शन कम हो और हवा बहुत चल रही थी, नाउ लुकिंग प्रीटी कूल, काश वहाँ मेरा एक घर होता कितना मजा आता ना। एनीवेज गाइस बनाना तो पड़ेगा यार, बैकयार्ड में करना ही पड़ेगा, चलो पहले यहाँ पे काम कर लेते हैं। अभी ये जो पॉटिंग मिक्स आप देख रहे हो ना इसको हम यूनिफॉर्म कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। लेकिन ये क्या मैं घर को यहाँ से उठा क्यों रहा हूँ, क्या पसंद नहीं है? नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो ये देख रहे हो ये एक जस्ट सैंपल है जहाँ पे अभी तक मैंने बोया नहीं है, तो कुछ इस तरीके से मैं इन प्लांट्स को यहाँ पे लगाने वाला हूँ, लगाने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ, फिर यहाँ पानी वगैरह भर देंगे उसके बाद इसका कुछ और ही लुक हो जाएगा। तो गाइस मैं पहले इन सबको रेडी करता हूँ एंड फिर आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ, फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाला है, तो चलो पहले इसको रेडी करते हैं उसके बाद दिखाता हूँ। उसके पहले ना इनके लीव्स को वॉश कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉटिंग मिक्स वगैरह लग गया है जो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलो सारे इंडोर प्लांट्स तो हम लोगों ने बो दिया, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था वैसे ही किया है। और अंदर का जो आप पार्ट देख रहे हो उसको क्लीन करना है एंड साथ में इन प्लांट्स में वाटरिंग भी करना है। अभी तो हमारा ट्री हाउस पॉन्ड सब कुछ बाकी है, वो सब इसमें आने वाला है। हमारा हाउस किधर है? हमारे ट्री हाउस में लग रहा है ये एक छोटा सा सीढ़ी, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने सिलिकॉन ग्लू तो लगा लिया यहाँ पे एंड इस सीढ़ी को आराम से धीरे से इसमें चिपकाना है और धूप की मदद से हमें इसको सुखाना है
एक्चुअली ये आधे घंटे में सूख ही जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है और बहुत मैच हो गया इसका कलर एक्चुअली। एंड हमारा छोटू सा पॉन्ड भी तैयार हो रहा है इधर, तो इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। एंड अभी मैं यहाँ पे इसको लगाने वाला, ये लाइट काफ़ी ब्यूटीफुल और बहुत प्यारा सा है, तो मुझे लगा क्यों ना ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरे पास है तो करके देखते हैं। और यहाँ पे अभी हम कुछ स्टोन्स डाल देंगे और उसके बाद देख लेते हैं फिर हमारे पास क्या पता है। ये देखो गप्पीस, अभी ये गप्पीस को तो मैं ऊपर से लेकर आया हूँ और ये सारे मेरे फ्राई से ही बड़े हुए हैं। फीमेल तो प्रेग्नेंट है और मेल भी आप देख पा रहे हो, एल्गी वाटर से लेकर आया हूँ, तो इनको भी मैं सोच रहा था कि थोड़ा टाइम के लिए छोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है। एंड इधर हाफ एन आवर में हमारा ये बिल्कुल घर भी तैयार है, अब इसको लेकर चलते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है एक्चुअली में ना, बहुत ही सुंदर है। इसको मैं लेकर अच्छे से जो है यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड इंडोर प्लांट्स के लीव्स ने इसके छत को घेर लिया है तो ये और भी नेचुरल सा लगने लगा है। और नीचे पॉन्ड देखो बनके तैयार है, पानी डालना होगा। फिलहाल तक तो ये 80% कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ पे हम पानी डाल देंगे एंड देन लाइट ऑन करके देखेंगे कैसा लगता है। जब मैंने लाइट ऑन किया तो बाय डिफॉल्ट पिंक वाला लाइट ऑन हो गया जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे तीन लाइट्स एक्चुअली और यहाँ पे देख पा रहा हूँ। एंड जब मैंने यहाँ पे एयर पंप भी ऑन कर दिया था ना तब काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और साथ ही में अभी मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ वाटर लेटर्स एंड ये पतला वाला प्लास्टिक जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब करते हैं लाइट ऑन। ये है मेरे पास गप्पीस और इनको मैं छोड़ने वाला हूँ हमारे छोटे से पॉन्ड पर। मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे अरे तुम पागल हो गए ओके इसमें क्यों छोड़ो, बट गाइस जस्ट थोड़े टाइम के लिए मुझे देखना है कि यहाँ पे कैसा लगता है, क्योंकि हम फ्यूचर में अगर एक बड़ा सा बनाएंगे तो वहाँ पे क्यों ना हम एक बड़ा सा पॉन्ड भी बना सकते हैं ना। और सही में ये गप्पीस यहाँ पे डालने के बाद इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था, कहीं ना कहीं एकदम नेचुरल पॉन्ड जैसा ही लग रहा था कि बीच में आ गया और घर भी इधर है और यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी लगा हुआ है, तो सही में मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। और ये है रात का वक्त, मैंने फिश को यहाँ से ऑलरेडी हटा दिया था और अभी आप देख पा रहे हो गाइस कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ लाइट से लाइट्स है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। क्योंकि ये मेरे बैल्कनी में है तो सामने से तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अलग ही लग रहा है। मतलब सही में लग रहा है कि यहाँ पे टर्टल्स है, क्योंकि मुझे आकर ना मम्मी ने यही पूछा कि तूने यहाँ पे कछुआ वगैरह तो नहीं रखा, क्योंकि ये सेटअप वैसा ही बना है। और सही में इसको बनाने के बाद ना कहीं मुझे कछुआ रखने का अभी बहुत भूत चढ़ा हुआ है, तो शायद मैं कछुआ लाकर इस तरह का कुछ बढ़िया सा सेटअप करने वाला हूँ।